तो चलिए देखते हैं एंटरटेनमेंट के इस पिटारे से निकला है अब किसका नाम। ओह माय गॉड, पिसाचनी। मुझे तो पिसाचनी से बहुत डर लगता है। पवित्रा और रॉकी, कैसे करते हैं आप रोजाना पिसाचनी का सामना? ओ माय गॉड। फिलहाल लेकर चलते हैं आपको शो के सेट पर और देखते हैं आप कौन से नए ड्रामे का सामना कर रहे हैं ये दोनों। इन दोनों की भी दांत देनी पड़ेगी। सच में रोजाना करना पड़ता है इन्हें पिसाचनी का सामना। ओएमजी। तुम फिर से आ गई मेरे कमरे में। भूल गई मैं पिशाचनी हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। तो आज लड़ोगी नहीं मुझसे पवित्रा? आज तो ना, मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगी। तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? पवित्रा वर्सेस पिशाचनी। सौतनों की लड़ाई। कलर्स के सीरियल पिशाचनी में अग्नि वेताल तो चैन की नींद सो रहे हैं और पवित्रा को भी लगता है कि रॉकी जितना देर तक सोएगा वो जल्द ही ठीक होगा। लेकिन तभी उसकी नजरों के सामने आ जाती है पिशाचनी। बस फिर क्या, दोनों के बीच शुरू हो जाती है टशनेबाजी और देखते ही देखते दोनों लड़ने लगती हैं। मैं अपनी मर्जी से कहीं भी कभी भी किसी के भी कमरे में आ सकती हूँ। कभी पवित्रा पिशाचनी को सबक सिखाती तो कभी पिशाचनी उसके वार का पलट जवाब देती। भाई दोनों ने तो बेडरूम को दंगल का ग्राउंड बना दिया है। पवित्रा और पिशाचनी ने तो एक दूसरे के ऊपर अपनी शक्तियों का परीक्षण कर लिया और लड़ते लड़ते देखिए कैसे दोनों थक भी गईं। लेकिन मजे की बात ये कि दोनों के बीच द्वंद चलता रहा और रॉकी चैन की नींद सोता रहा। दोनों की लड़ाई खत्म हुई और अग्नि वेताल की आंखें खुल गईं। कमरे का बिगड़ा होलिया देखकर अग्नि वेताल को पता चल गया कि यहाँ पर पवित्रा और पिशाचनी के बीच लड़ाई हुई है। लेकिन ये देखकर भी अग्नि वेताल को गुस्सा नहीं आया, उल्टा वो पवित्रा को अपना टशन दिखाकर रानी यानी कि पिशाचनी का हाथ थामे वहाँ से निकल गया। अब देखना होगा कि इसके आगे पवित्रा क्या करेगी ताकि अग्निवेताल के अंदर का रॉकी बाहर आ सके। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।